गुड इवनिंग। एसएससी सीजीएल 2019 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। 3 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए ऑलमोस्ट सभी प्रश्न प्राप्त हो गए हैं। ये वीडियो मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप तक ऑथेंटिक क्वेश्चंस और ऑथेंटिक आंसर्स पहुँचे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके कमेंट से ही टेकअप किए हैं और अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसे मैं थर्ड शिफ्ट की आंसर की में ऐड कर दूंगा। और अगर किसी प्रश्न पर कोई शंका हो तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस की आंसर की। देखिए पहला ही क्वेश्चन है जिस पर आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट प्राप्त हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, टेस्ट क्रिकेट में 4 लगातार दोहरा शतक लगाने वाले जो प्लेयर हैं वो हैं विराट कोहली। इन्होंने टोटल 7 डबल सेंचुरीज लगाई हैं और वनडे में 3 डबल सेंचुरी लगाने वाले जो प्लेयर हैं वो हैं रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, रेपो रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मिशन मंगल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके नायक जो हैं अक्षय कुमार हैं और इसकी नायिका जो हैं वो विद्या बालान। एक्ट्रेस के बारे में पूछा गया था तो एक्ट्रेस जो हैं वो हैं विद्या बालान। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो शशि थरूर जो को दिया गया है। और किस पुस्तक पर दिया गया है? वो है एन एरा ऑफ डार्कनेस। हो सकता है अगली शिफ्ट में पूछा जाए कि एरा ऑफ डार्कनेस के राइटर कौन है, तो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। धारा का मापन बहुत सिंपल है, अमीटर के द्वारा किया जाता है। थॉमस रो किसके दरबार में आया था? थॉमस रो जो है मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। एक क्वेश्चन था, किस प्रधानमंत्री की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है? तो ये ओमान के प्रधानमंत्री थे और इनका नाम आप जान लीजिए, इनका नाम है, हो सकता है पूछ लिया जाए नेक्स्ट शिफ्ट में, हाफिज बिन तारिक अल सईद। सलमान रश्दी से एक क्वेश्चन था, तो इनकी किताब है सैटनिक वर्सेज जिसका शैतान की आयतें, और इसी पुस्तक के कारण ये बहुत अधिक चर्चित रहे हैं क्योंकि ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा विवादित रही है। हरिका द्रोणा मल्ली का किस गेम से रिलेशन संबंध है? तो वो है शतरंज। एक क्वेश्चन गेटवे ऑफ इंडिया से पूछा गया था, इस पर भी बहुत कंफ्यूजन है, तो मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। अगर पूछा गया इसकी नींव कब रखी गई थी, तो इसकी नींव जो है 1905 में रखी गई थी। निर्माण कब हुआ है? 1911 में हुआ था। कब हुआ है? जबकि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी जो है वो भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट इन नाइट स्काई होता है, इसको उल्का या धूमकेतु कहते हैं। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन रोम में स्थित है। साइंस से एक क्वेश्चन था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? तो ये शुष्क बर्फ ड्राई आइस को कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। करंट से क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? तो ये हैं भूपेश बघेल। लेडी बिलिंगटन पार्क का नया नाम क्या है? लेडी बिलिंगटन पार्क का नया नाम लोदी गार्डन। ये देखिए नए नाम जो रखे गए हैं इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जाएगा, तो आप इसको जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो भी नए नाम रखे गए हैं एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए आगे है, टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय जो हैं ये कौन है? फवाद मिर्जा। और कर्मयोद्धा पुस्तक जो है वो किसके जीवन पर लिखी गई है? तो कर्मयोद्धा पुस्तक जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर लिखी गई है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक ई बुक अपलोड की थी करेंट पर, उसमें उसको आप देख लीजिए, उसमें से कई सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो उसका लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, निश्चित रूप से उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और चलिए फिर आगे और देखते हैं और क्वेश्चन क्या पूछे गए थे।
अगला क्वेश्चन है कि लॉटरी पर जीएसटी कितना है। तो लॉटरी पर जीएसटी जो है वो 28% है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो है वो जी राजपक्षे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था, तो इसमें भी जो है बहुत कमेंट्स आप लोगों के मिले हैं। तो भारत की ओर से जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। एक क्वेश्चन था दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड। देखिए आने वाली शिफ्टों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आप उसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। और मैंने अपनी ई बुक में भी जो है इसके बारे में दे रखा है, आप उसको भी एक बार एग्ज़ाम देने से पहले सरसरी नगर से एक बार पढ़ लीजिएगा। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया था वो देवानंद जी को दिया गया था, और अभी जो लेटेस्ट दिया गया है 66वां जो है ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में 50वां पूछा गया था, आप लोगों ने कमेंट करके ही बताया है, अदरवाइज तो अमिताभ बच्चन जी को ही दिया गया है, लेकिन 50वां पूछा है तो वो देवानंद जी को दिया गया था। नंदबंद का वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगली शिफ्ट में कि नंदवंश के शासक शासन का उन्मूलन किसने किया था? तो वो भी आप याद कर लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य सम्राट शासक चंद्रगुप्त मौर्य। एसेंट 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? एसेंट 2020 का आयोजन जो है वो केरल में हुआ था। फिर देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है, एंशियंट हिस्ट्री से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं और मैं क्या कहते हैं मुगल वंश से पूछे गए हैं। आपके अपकमिंग जो शिफ्ट हैं आप ध्यान दीजिए कि उसमें पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश या तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अजात शत्रु का पुत्र बिम्बिसार था। आगे बढ़िए जो है, तो अगला क्वेश्चन है लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो लाफिंग गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। देखिए अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? लाफिंग गैस से पूछा है। तो केमिकल नेम्स जो हैं, केमिकल कंपाउंड्स के नाम पूछे जा रहे हैं साइंस में। देखिए पैटर्न समझिए एग्ज़ाम का, तो केमिकल नेम्स जो है आप ज़रूर याद कर लीजिए, जैसे खाने का सोडा है, धावन सोडा है, इस तरह के जो भी केमिकल्स हैं जो अमूमन डेली यूज़ में आते हैं उनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। विजयवाड़ा कहाँ पर स्थित है पूछा गया था? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुछ कैंडिडेट्स ने हम्पी के बारे में कहा है, तो हम्पी जो है वो कर्नाटक में स्थित है। तो जो भी पूछा गया हो वो इसका यही आंसर है। अगला क्वेश्चन था कि ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क जो है वो कोडागु कर्नाटका में स्थित है। फेफड़ों के भीतर स्थित ग्रंथि कौन सी है? ये बायोलॉजी से क्वेश्चन था। तो थायमस ग्रंथि जो है वो फेफड़ों के भीतर स्थित ग्रंथ है। फिर देखिए सिरका पूछ लिया, ये भी जो है केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, केमिकल नेम पूछा है, नहीं पूछा है इसमें, हो सकता है अगले जो पेपर हो उसमें इसका केमिकल फार्मूला पूछ लें, CH3COOH। तो इस तरह के आप केमिकल फार्मूलेज, केमिकल नेम्स जो है बिल्कुल तैयार कर लीजिए। तीन क्वेश्चन आ गए इस तरह के। तो सिरका जो है उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। किस पुरातत्व अधिकारी कौन है? नागा स्वामी है। इनको किस देश से पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें जो है बांग्लादेश से पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि विंग्स इंडिया 2020 का लोकेशन पूछा था। तो विंग्स इंडिया 2020 का लोकेशन जो है वो हैदराबाद में है, बैंकुपेट एयरपोर्ट पर, बोरा हिल्स। ये जो है पूछा गया था ज्योग्राफी से क्वेश्चन, बहुत एक ही क्वेश्चन पूछा गया है दोनों शिफ्टों में कुल मिला करके। तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। स्टडी ऑफ डॉग्स को क्या कहते हैं? ये कहते हैं साइनोलॉजी। देखिए बायोलॉजी से जो है तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों शिफ्टों में कुल मिला करके। अब एक फिजिक्स से क्वेश्चन है कि आवेशों के दूरी बीच दूरी बढ़ाने पर जो है आकर्षण बल घटता है, किस नियम के तहत? तो इसे कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो आकर्षण बल जो है घटता है, क्योंकि आकर्षण बल जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये क्या है? कुलाम का नियम। टूटूकुड़ी कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। और 21वीं शताब्दी फॉक्स जो है ये किससे रिलेटेड है?
तो ये डिज्नी से रिलेटेड है। तो ये थे ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन मिल पाए हैं, उनके जो है मैंने ऑथेंटिक आंसर्स दिए हैं। थोड़ा लेट वीडियो अपलोड किया है, लेकिन कोशिश ये की है कि आप तक जो आंसर्स पहुंचे वो बिल्कुल करेक्ट हो, उसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो, किसी तरह कन्फ्यूज़न हो, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसे मैं थर्ड शिफ्ट वाला जो आंसर की है उसमें ऐड कर लूँगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में सभी को जो है शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी जो है जानकारी हो जाए उतने कितने क्वेश्चंस उनके सही हुए हैं। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ओके, थैंक यू।